अस्सलाम वालेकुम यार, कैसे हो? सब ठीक हो? तो आज मुझे इधर वापस देख के तो परेशान नहीं होना कि आज मैं दोबारा से कहाँ से आ गया हूँ। तो असल में मैं काफ़ी बिज़ी हो गया था, जिसकी वजह से मैं ब्लॉगिंग नहीं कर सका। तो आज मैंने सोचा कि दोबारा से ब्लॉग बनाते हैं, देखते हैं क्या बनता है। तो अभी मैं उठा हूँ, अभी फ्रेश हो के मुझे जाना है, एक लोकेशन देखनी है अपने दोस्त के साथ। उसके साथ कोलैबोरेशन का सीन है, फ़ोटोशूट करना है, और उसके अलावा काफ़ी सारे काम हैं आज, जो कि मुझे आज के आज ही करने हैं, क्योंकि उसके बाद फ्राइडे सैटरडे संडे मैं थोड़ा फिर से बिज़ी हूँ। और एक दोस्त के साथ मैंने जाना है एक टाउन। तो वैसे मैं सोच रहा हूँ कि अगर हम उसी टाउन में ही अपना शूट का भी प्लान बना लें, तो देखते हैं क्या सीन है, जा कर लोकेशन देखते हैं। यार फाइनली एनएस आ गया, तो इससे मैंने कुछ बात करनी थी, क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा है आजकल, क्योंकि इसके अब्बू का भी कंस्ट्रक्शन का काम है। तो मैं सोच रहा था कि मैं इससे कुछ इन्फॉर्मेशन लेता हूँ। तो तू मुझे ये बता कि मैं कोई प्लॉट लेके उस पर घर बनाना चाह रहा हूँ, तो उसका क्या सीन है आजकल, उसका कैसा काम जा रहा है, या क्या करना चाहिए मुझे? काम ज़बरदस्ती सबसे ज़्यादा मैटर करती है लोकेशन, कि आप किस लोकेशन के ऊपर करना चाह रहे हैं। सेकेंडली, आप उसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, या आप रिसेंटली उसको लाइक बना के बस सेल करना चाह रहे हैं। एक और चीज़ ये होती है कि आप उसमें ये चीज़ देखें कि कुछ प्लॉट होते हैं वो भी अंडर डेवलप्ड होते हैं, ठीक है। वो ये है कि आपको अच्छी प्राइस दे जाते हैं कुछ सालों के बाद, ठीक है। रिसेंटली मतलब बहुत सारे टाउन्स हैं, बहुत सारे लोकेशंस के ऊपर ओपन हो रहे हैं, और उसमें इन्वेस्टमेंट का जो स्कोप है वो भी बहुत हाई है, और वो जो आपको प्रॉफिट भी वो बहुत अच्छा दे के जाते हैं, बहुत अच्छा आपको पे भी करते हैं, बहुत आपको उसमें मज़ा भी आता है करने का। और दो ऑप्शन आपके पास हैं, या तो आप प्लॉट लेके उसको रख दें, लैंड कभी भी अपनी प्राइस डाउन नहीं करता, लैंड इज़ जस्ट एज़ गुड एज़ गोल्ड। इस तरह गोल्ड बढ़ता है, इस तरह लैंड भी बढ़ता है, सो वो आपको कभी डाउन नहीं करेगा। तो सबसे बेहतरीन चीज़ ये है कि आप प्लॉट लेके उसको रख दें, और कुछ अर्से के बाद जब उसकी प्राइसेस हाई होगी, रेट बढ़ेगा, तो आप उसको सेल कर सकते हैं। एक और ऑप्शन ये है कि आप वो वही प्लॉट लें, उसके ऊपर उसको कंस्ट्रक्ट करें, ठीक है। उससे ये होगा कि उसका आपका प्रॉफिट मार्जिन जो है वो ज़्यादा हो जाता है, और एक रैपिड पेस के ऊपर जो है जल्दी, मतलब थोड़े अर्से में आपको डबल प्रॉफिट भी उससे मिल सकता है। मतलब जितना प्रॉफिट आपको एक प्लॉट ने देना था, उससे ऑलमोस्ट डबल प्रॉफिट आपको कंस्ट्रक्शन वाले सीन में जो है आपको मिल जाता है। तो ये दो ऑप्शन हैं। तो अभी क्या आपके पास भी है, मुझे बताएं उसके बारे में, जब भी है तो? यार एक नई कॉलोनी डेवलप हो रही है, जो यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो है ना, जिस रोड के ऊपर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, उस रोड के ऊपर एक नई कॉलोनी डेवलप हो रही है। वो जो बड़ी सब्जी मंडी है, बड़ी सब्जी मंडी वाली रोड जो है, उसके ऊपर एक नई कॉलोनी डेवलप हो रही है। उसकी लोकेशन भी बड़ी मज़े की है। नाम क्या है उसका? आई थिंक नाम है रॉयल एवेन्यू। रॉयल एवेन्यू के अंदर प्राइम लोकेशन के अंदर बड़े ज़बरदस्त किस्म के प्लॉट्स जो हैं वो अवेलेबल है। मतलब आपका जो उसमें सेंट्रल पार्क है, उसके साथ भी जो प्लॉट्स हैं, कॉर्नर प्लॉट्स अवेलेबल हैं, ठीक है। और अब हर्ड आई थिंक के वहाँ पे जो है आप किस्तों के ऊपर भी, महाना एक साथ के ऊपर भी जो है आप वहाँ से प्लॉट हासिल कर सकते हैं। उसकी कोई है इन्फॉर्मेशन उसकी क्या किस वगैरह? आई थिंक मैं एक जगह पे पढ़ रहा था एडवर्टीजमेंट के अंदर, जहाँ पे वो लिखा हुआ था कि यार 5,000 रुपये महीना से पर मरला, हाँ जो किस्त है वो आपकी 5,000 रुपीज़ पर मरला है। मीन्स अगर आपका 5 मरले का प्लॉट है, तो यू हैव टू पे 25,000 रुपीज़ पर मंथ, और इफ़ यू आर हैविंग 10 मरला प्लॉट, तो उसकी जो है प्राइस वो 50,000 रुपीज़ की आपकी किस्त है वो हर महीने जाए। यहाँ यूनिवर्सिटी रोड से उसको तकरीबन 10 से 15 मिनट लगेंगे? हाँ, 8 to 10 मिनट्स लगते हैं, ज़्यादा 10 से 15 मिनट नहीं लगते, 8 to 10 मिनट्स लगते हैं वहाँ पर पहुँचने में। तो अभी क्या टाइम हुआ है हमारे पास, तो चले ना विज़िट करके, विज़िट करके आते हैं। और वहाँ की जो प्लॉट्स हैं, कॉर्नर प्लॉट्स, मुझे तो वहाँ की कॉर्नर प्लॉट्स का काफ़ी मज़ा है आ रहा है, और वहाँ पे जो है बहुत ज़बरदस्त घर बन सकता है, और बिल्कुल मेन रोड के ऊपर भी प्लॉट्स जो है वो अवेलेबल है। सो लेट्स गो देयर एंड हैव अ लुक। ये देख, बैठ के देख रहा है हमारी शक्ल की, हम क्या कर रहे हैं ये भी देख। तो चलते हैं अभी। Echoing around these walls, fighting to create a
through the sun rays and on and on. यार हम यहाँ पे पहुँच गए हैं इधर रॉयल एवेन्यू, तो ये सारा सीन है इसका। अभी देखते हैं इसको, एक्सप्लोर करते हैं फिर क्या सीन बनता है। सर ये सर रॉयल एवेन्यू का मैप है, इसमें हम डील कर रहे हैं 3.5 मरला, 4.25 मरला, 5 मरला, 7 मरला, 10 मरला, 12 मरला में। और इसमें सर प्राइस जो है वो अभी सर जो हम कर रहे हैं सेल वो 5,25,000 रुपये पर मरला है जी, 2 साल की इंस्टॉलमेंट्स हैं। और इसमें 25% डाउन पेमेंट है, बाकी 5,000 पर मंथ पर मरला तो। और इसको अकोमोडेट किया जा सकता है जैसे आप चाहें। सही है, आप हमें बता देंगे कि आप कैसे इस पेमेंट टोटल पेमेंट को कैसे कवर करेंगे विद इन 2 ईयर्स। तो 2 ईयर्स का हमारा प्लान है। अगर आप कैश पे लेते हैं तो 10% डिस्काउंट है। सही है जी सर। आप कितने बदले में इंटरेस्टेड हैं सर? हम अभी देखते हैं जी लोकेशन वगैरह भी जी, हमारी टीम आपको विजिट करा देती है। हमारे सर सामने पार्क है जी, और साथ मस्जिद है और कार्पेट रोड्स हैं, और माशाल्लाह शहर के करीब तरीके बहुत अच्छी लोकेशन, मीठा पानी है सर, और मरला 272 स्क्वायर फीट का पूरा मरला है सर। पार्क्स हैं, स्कूल है, कब्रिस्तान है, सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। सही है जी, ठीक है। Hold me close till I get up, time is barely on our side, I don't wanna waste what's left, the storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust, yeah, no, I don't wanna waste what's left. तो यार यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन वगैरह तो चल रही है, चल रही है, एक वहाँ सामने बन रहा है, एक पीछे हमारे बन रहा है, चार पांच घर बन रहे हैं चुके हुए हैं। हाँ। उसमें से 2-3 तो कंप्लीट हो गए हैं और तीन चार चल रहे हैं। And, तो मजे का यार, शहर से बाहर है, जरा सुकून माहौल, सुकून है। हाँ